वैश्विक महामारी कोरोना का कहर अभी भी थम नहीं रहा है। हाँ, अवश्य है कि मरीजों के ठीक होने की दर जरूर बढ़ रही है। सरकार अनलॉक की प्रक्रिया को पांचवें चरण में ले जा रही है। सरकार ने काफी हद तक छूट भी दे दी है। इसके बावजूद आम लोग कोरोना संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसका परिणाम शनिवार दोपहर को ईदगाह बस अड्डे में देखने को मिला। यहाँ बस यात्री ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। कोरोना काल के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तय किया कि जल्द से जल्द भारतवर्ष को धीमी गति के साथ सुचारू किया जाए, और वहीं भारतवर्ष को लॉकडाउन से आजादी दिलाने के लिए उन्होंने देश की जनता से अपील की कि 2 गज दूरी और मास्क है बहुत जरूरी। लेकिन देश की जनता, इंसान, नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। दर्पण न्यूज टीम ने जब आगरा शहर के ईदगाह बस स्टैंड पर ये नजारा देखा कि परिवहन की लापरवाही के चलते हुए यात्रियों को बस में लबालब ठूसा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही, वहीं सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का भी यहां पर कोई पालन नहीं किया जा रहा है। भारत के अंदर कोरोना काल आने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने भारत देश को 2 मूल मंत्र दिए। पहला मंत्र मास्क और दूसरा 2 गज की दूरी। लेकिन हमारे देश के नौजवान इस मूल मंत्र को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। हम इस समय मौजूद हैं आगरा के ईदगाह बस डिपो पर। यहाँ पर की परिवहन की लापरवाही और यात्रियों की लापरवाही के चलते हुए ये 2 मूल मंत्र बिल्कुल भी याद नहीं रखे जा रहे हैं, और परिवहन की लापरवाही के चलते बसों के अंदर थूस थूस कर यात्रियों को भरा जा रहा है। हालांकि बस स्टैंड पर लाउड स्पीकरों के द्वारा भी बताया जा रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, लेकिन फिर भी कोई उसका पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। दर्पण न्यूज के लिए सोनू कश्यप की रिपोर्ट, आगरा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए प्रातः दर्पण के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।